सूखे से निपटने के लिए सरकार हर तरह की तैयारी करके है। आपने देखे पिछले वर्ष भी और लगभग राज्य के 25 जिलों में सुखाड़ की स्थिति बनी थी, 280 प्रखंडों को हमने सुखाड़ घोषित करके 14.5 लाख किसानों को DBT के माध्यम से लगभग 934 करोड़ की राशि देने का काम किया था। इस पर भी संभावना बन रही है, इस बारिश में तो मोरी लग जाएगा, रोपनी हो जाएगा, लेकिन आगे देखना है कि वर्षा होती है कि नहीं। यदि इसी परिस्थिति का निर्माण होता है तो हम किसान भाइयों के साथ उस संकट की घड़ी में सुखाड़ की स्थिति में हर तरह के मदद करने के तैयार हैं। अभी तो मान लेते हैं कि बिचड़ा तैयार हमारा है और रोपनी की शुरू लोगों ने कर दिया है और लगभग 15% रोपनी हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह पानी पड़ रहा है फिलहाल अभी तो रोपनी की संभावना है, लेकिन आगे पानी पड़ना चाहिए और खरीफ के मौसम में पानी की आवश्यकता होती है जाकर के। पिछले बार हथिया नक्षत्र में जब वर्षा नहीं हुई थी तो सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था बिहार को। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ इस पर नकल सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति आती है तो सरकार सुखाड़ से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक।